नमस्कार, अपना सबके स्वागत है। बोलो शारदा मैया की जय। एक मिनट रुकी, कहा है कि यह समय भोपाल से लेके रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और भी कई जगह विंध्य प्रदेश के भांग उठ गए। सोशल मीडिया में चर्चित है और कई जगह कुछ मीडिया संस्थानों में खा लेके डिबेट हुई रही। हमू सोचन चला कुछ बोल ली विंध्यवासी उनके नाते। बात कही ली मैहर के, शारदा मैया के नगरी के, उनके विधायक नारायण त्रिपाठी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक, अचानक से विंध्य प्रदेश के मांग उठा दी। 16 साल सक्रिय राजनीत विधायक रहत, संभवतः इतना मांग नहीं की, काहे नहीं की बताओ, ही जाना था अचानक का है। तो देखी बात ऐसा है, अपना पंचे पहले तो बता दे विंध्य प्रदेश के इतिहास अपना का मालूम हो। 25 जनवरी 1950 का अस्तित्व में आवा, 1948 अप्रैल 1948 में सब प्लानिंग एक बनी और बात भय विंध्य प्रदेश के 1950 में नामित हुई के रीवा एक राजधानी बन गई। बहुत कुछ जानकारी अपना पंचन का हुई। नारायण त्रिपाठी के विंध्य प्रेम, 2003 में सपा से विधायक बने, 2008 सपा से टिकट लेकिन हार गए, 2013 कांग्रेस का दामन थाम के चुनाव लड़ी जीत गए। ढाई साल बाद यानी 2016 में मन कांग्रेस में लगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी आएगी, इस्तीफा दे के उपचुनाव भा पुनः विधायक बन के विधानसभा पहुंचे। 18 में पुनः भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन गए, 3-4 बार के विधायक, लंबा कार्यकाल। सवाल उठत है ये 16 साल में इकट्ठे कहूँ आयोजन होगा हो अलग बात यह, पर हमारा बिंद हमें लौटा दो कहूँ नहीं कहीं, ना पार्टी फोरम में ना विधानसभा में, अचानक से कहे तो हम बताई थे का भा। 2018 में प्रदेश में कमलनाथ यानी कांग्रेस की सरकार आएगी, सब अपन अपन अस्तित्व और अपन अपन फायदा देखने लगे। नारायण त्रिपाठी दल बदलू कहा जाते हैं उन्हीं, सपा कांग्रेस उन तो खुद कहते कि तरक्की के लाने हम दल बदले थे, हर आदमी तरक्की चाहता है, बहुत बढ़िया। जुलाई 2019 में कमलनाथ सरकार एक थे विधेयक लाई विधानसभा में, भाजपा विरोध कर दी से बाहर निकल गए, पर भाजपा के दो विधायक व विधेयक के पक्ष में वोटिंग कर दी और दोनों विंध्य प्रदेश के रहे, नारायण त्रिपाठी जी और दूसरा शरद कोल जी, पर शरद कोल जी के तवा नहीं है, पर नारायण त्रिपाठी कमलनाथ जी के साथ बढ़िया बैठ के मीडिया के सामने खूब बातें की। कहूँ यह आवा सुना है माँ कि शिवराज से नाराज हैं, तत्कालीन प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं या प्रदेश भाजपा से नाराज हैं कि को उन्हें समझत नहीं आए, तब कयास लगा लगे मतलब हर को यह सोचने लग रहा कि शायद नारायण त्रिपाठी कांग्रेस का दामन थाम लें इस्तीफा दे के, पर ऐसे पहले कि उनका सपना साकार हो, शायद उनका सपना साकार हो, 6 महीने में कमलनाथ सरकार के तीसरी यानी कि कांग्रेस सरकार के जयराम जी के हो गए, मार्च में पुनः भाजपा सत्ता सीन हुई गए। अब ऐसा मन नारायण त्रिपाठी अपन सामंजस्य पुनः भाजपा से बनावे में प्रयास की जो शायद सफल नहीं भाई, हम ऐसा लागत है तब या ओ भाप चुके हैं, शायद हमारा अनुमान ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी नारायण त्रिपाठी का बहुत ज़्यादा महत्व दे के विचार में नहीं आए, और अगले चुनाव में तो हम ही नहीं लागे कि नारायण त्रिपाठी का टिकट मिली, अब कौन विषम परिस्थिति या चमत्कार हुई जाए तो अलग बात ही आए, शायद नारायण त्रिपाठी यह भाप चुके हैं ऐसे आपन राजनीति के भविष्य सही बना रहे, उनका राजनीति चलत रहे, एक ही लाने हमारा बिंद हमें लौटा दो मुहिम शुरू की, और कुछ कारण नहीं है ऊँ जाना था कि यह मुहिम उनखर अंदर के बात नहीं है, लेकिन यह अब वक्त के नजाकत ही लोगन का जोड़ रहे हैं। प्रदेश भाजपा आला कमान कह चुका है कि यह सब उचित नहीं आए, हमार लाइन पार्टी लाइन नहीं आए, तब नारायण त्रिपाठी मुखर हुई गए कक्का रहे अपना का तो खूब मालूम है विंध्य प्रदेश के कौन कौन नेता मांग की ही सोखे बाद का भा अपन उल्लू सीधा की ना निकल ली, हमें नहीं लगा कि विंध्य प्रदेश के अब कौन विचार भारतीय जनता पार्टी के मन में है, पर नारायण त्रिपाठी जी अपन राजनीति अगले चुनाव का फोकस करके कह रहे हैं, अपन जनाधार बना रहे हैं ताकि अगले चुनाव में पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या सपा शायद बसपा उनखर नजर पड़ जाए कि टिकट मिल जाए और विधायक ही बरकरार रह जाए। हालांकि वो ये वही जो राम रची राखा बाकी जैसी शारदा मैया की इच्छा, अपना सब बिंदवासी इनका हमार
प्रणाम। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा द करंट स्टोरी चैनल कैसन लाग, हमार वक्तव्य कैसन लाग, अपने राय अवश्य दे ही हम। हमारा प्रयास रहा बघेली में कुछ चर्चा कर ली, मन भक्त कर ली, गमछा उमछा बांध के। नमस्कार।